नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से टाइप करके रख लिया हूँ, आपको भी ऐसे टाइप करना है। दोस्तों आइटम का मतलब क्या होता है? गुड्स, कोई प्रोडक्ट, कोई आपको दुकान में सामान है उसका नाम। जैसे मैंने पेस्ट लिया, माउस लिया, कीबोर्ड और कंप्यूटर, आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आप सामान बेचते हैं। स्टॉक मतलब होता है आपके गोदाम में, आपके दुकान में कितना पीस सामान, कितना गुड्स है, ठीक है। परचेज मतलब क्या होता है दोस्तों? खरीदना, और आप कितना खरीदे, खरीदना। परचेज रेट जो आप खरीदे, जो भी गुड्स, जो भी सामान खरीदे उसका कीमत कितना है। सेल्स मतलब होता है बेचना, और सेल्स रेट मतलब होता है बेचे आप कितना पैसा में बेचे। रिनेमिंग स्टॉक मतलब होता है जो आप अभी आपके पास गोदाम में कितना सामान बच रहा है, कितना गुड्स बच रहा है। रिमेनिंग स्टॉक रेट मतलब होता है क्या कि बचा हुआ सामान की कीमत, ठीक है, कितना उसका दाम होगा, जो मेरे गोदाम में जो गुड्स है उसका कितना कीमत होगी। प्रॉफिट मतलब लाभ। अब चलिए इसको मैंने देखते हैं। पेस्ट मेरे पास एक पीस है और हम एक पीस परचेज मैंने कर लिया, मैंने मेरे मेरे पास स्टॉक में एक पीस था, एक पीस और मैंने परचेज कर लिया, और मैंने परचेज रेट मतलब ये जो परचेज किए उसका कितना है परचेज किए। तो मैंने 5 रुपये में परचेज किए, पेस्ट मैंने लेता है 10 रुपये में परचेज किया, और मैंने सेल्स मतलब बेचना, तो मैंने एगो मेरे पास ग्राहक आया और मैंने इसको बेच दिया, कितना पैसा में बेचा, तो 11 रुपये में बेचा। अब हमको निकालना है रिमेनिंग स्टॉक और रिमेनिंग स्टॉक रेट और प्रॉफिट। अब मैं फिर से यहाँ से समझाता हूँ। स्टॉक मतलब मेरे पास एक मेरे पास पेस्ट था, मैंने एक और परचेज कर लिया। आप कितना भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और परचेज रेट मैंने 10 रुपये में मैंने पेस्ट खरीदा हूँ और एक सेल्स कर दिया, तो मेरे पास कितना में एक पीस मैंने ग्राहक का मैंने बेच दिया, तो सेल्स रेट कितना में बेचा, तो 11 रुपये। यानी मैं 10 रुपये में खरीदा हूँ और 11 रुपये में बेच दिया। अब मुझे ये जानना है कि रिमेनिंग स्टॉक क्या होता है दोस्तों, कि अब आपके पास गोदाम में कितना पीस माल बच रहा है, कितना पीस गुड्स बच रहा है, इसको हमको निकालना है। तो देखिए, यहाँ निकालने के लिए यहाँ पर देखिएगा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा नीचे फार्मूला, ये क्या कह रहा है, रिमेनिंग स्टॉक, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिमेनिंग स्टॉक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि हमारे पास गोदाम में कितना पीस गुड्स है, कितना पीस सामान है, तो क्या कह रहा है, स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स, यानी कि स्टॉक और प्लस परचेज को प्लस करेंगे और माइनस सेल्स कर देंगे। तो कैसे, यहाँ पर देखिए इक्वल टू स्टॉक मेरे पास कहाँ पर है, तो यहाँ पर, ठीक है, ये स्टॉक है, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद प्लस का निशान लगाऊंगा, उसके बाद परचेज मेरे पास कहाँ पर, तो यहाँ पर इसके नीचे क्लिक करेंगे, और उसके बाद माइनस करना, देखिए माइनस सेल्स मेरे पास कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो इसके नीचे, यहाँ पर है, तो इसके नीचे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम मेरे पास एक पहले से था, एक सामान खरीद लिया और एक मैंने बेच दिया, तो मेरे गोदाम में एक ही पीस बचेगा, समझ गए होंगे। अब निकालना है मुझे रिमेनिंग स्टॉक रेट। अगर मुझे दुकानदार कोई, अगर आप दुकान में रहते हैं तो मालिक पूछेगा, तो जो सामान बच रहा है, जो गुड्स बच रहा है, उसका कितना कीमत है, तो अब हमको निकालना है कि कितना कीमत है उस गुड्स का, वो सामान का जो मेरे गोदाम में है, ठीक है ना। मेरे पास माल कितना बच रहा है, तो एक पीस, कौन सा पीस बच रहा है, तो पेस्ट बच रहा है एक पीस। तो इसको निकालने के लिए मुझे नीचे देखेंगे फिर से, यहाँ पर लिखा हुआ कहा, देखिएगा रिमेनिंग स्टॉक रेट निकालने के लिए रिमेनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई परचेज रेट, यानी कि रिमेनिंग स्टॉक में गुना कर देंगे परचेज से, तो हमको रिमेनिंग स्टॉक रेट निकल जाएगा। तो कैसे, यहाँ पर देखिएगा रिमेनिंग स्टॉक कहाँ पर है मेरे पास, पर यहाँ पर देखिएगा रिमेन, देखिए यहाँ पर क्या है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, और परचेज रेट कितना से परचेज, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, अब परचेज रेट मेरे पास कितना यहाँ पर है, और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए, कहने का मतलब है दोस्तों कि परचेज रेट मतलब मैंने 10 रुपये में खरीदा था, 10 रुपये आपको बता दिया। अब मुझे पर जब एक पीस बेच दिए तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए अब नीचे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, क्या कह रहा है, प्रॉफिट निकालने के थोड़ा सा लंबा सूत्र है, देख लीजिएगा, इक्वल टू लगाएं, और उसके बाद हम लोग एक
ब्रैकेट लगा दिया। आप देखिए सेल्स, सबसे पहले सेल्स, यहाँ देखिए सेल्स लिखा हुआ है, तो सेल्स वाला पर मैंने क्लिक करूँगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना। उसके बाद सेल्स रेट, यहाँ पर देखिएगा तो सेल्स रेट कहाँ पर है, सेल्स रेट यहाँ पर, इस पर हमने क्लिक कर दूंगा। और सेल्स रेट पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद डबल ब्रैकेट है तो डबल ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जैसे लिखा है वैसे चलेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टॉक, तो स्टॉक मेरे पास कहाँ है, यहाँ पर, तो स्टॉक पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लस का निशान करता है, प्लस का निशान, उसका परचेज, परचेज है तो मेरे पास यहाँ पर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, उसका परचेज रेट, तो परचेज रेट पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद परचेज रेट के बाद कह रहा है कि माइनस लगाइए तो माइनस लगा दिया। उसके बाद कह रहा है कि रिमेनिंग स्टॉक रेट, रिमेनिंग स्टॉक रेट मेरे पास कहाँ है, देखिएगा यहाँ पर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने ब्रैकेट को बंद किया और इंटर प्रेस किया। अब 1 रुपया प्रॉफिट क्यों आया, मैंने 10 रुपया में खरीदा था, 11 रुपये में बेचा था, तो इसे 1 रुपया प्रॉफिट मैंने बस आ गया दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास माउस है 10 पीस, और माउस मैंने खरीद लिया 10 पीस, कितना में खरीदा हूँ, तो 100 रुपया में 10 पीस मैंने बेच दिया। और कितना में मैं बेचा था, 100 रुपये में खरीदे थे तो 105 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको रिमेनिंग स्टॉक निकालना है, यानी कि मेरे पास गोदाम में कितना सामान बच रहा है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो निकाल देगा। यानी कि 10 पीस मेरे पास पहले था, 10 पीस और लिया तो 20 पीस हो गया, लेकिन 10 पीस मैंने सेल कर दिया तो कितना बचेगा, 10 पीस बचेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब जो बचा उसका कीमत कितना होगा, तो कीमत निकालना है, तो फिर नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिएगा आपको 1000, यानी कि 10 पीस जो बच रहा है वो 100 रुपये में खरीदे थे तो 1000 रुपये हो जाएगा। प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पर क्लिक नीचे देखेंगे, 50 रुपया प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि मैंने 100 रुपये में खरीदा था और एक सेल रेट मेरे पास 105 रुपये में बेच रहे हैं, तो 5 रुपये पर आइटम पर बेच रहे हैं, तो 10 बचे 50, यानी कि आपको निकल गया। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। हम एक और लेके चलते हैं, जैसे मेरे पास 5 पीस कीबोर्ड है और मैंने 5 पीस खरीद लिया, और कितना में कीबोर्ड खरीदे तो 200 रुपये में बेच दिए 5 पीस। ठीक है, ये अपना मन से टाइप कर रहे हैं, और कितना में बेचे तो 200 रुपये में खरीदे थे तो 210 में इसको बेच देते हैं। ठीक है, अब रिमेनिंग स्टॉक निकालना है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना है कि 5 × 10 पीस हो गया मेरा, 5 पीस मेरे स्टॉक में था, 5 पीस और लिया तो 10 पीस हो गया। तो जब हम सेल कर देंगे 5 पीस, तो मेरे पास 5 पीस बचेगा, तो यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो देखिए 5 ही पीस आना चाहिए, देखिए आ गया। और वो जो 5 पीस बच रहा है उसका रेट कितना आना चाहिए, तो 20 रुपये में, 200 रुपये में खरीदे हैं तो 5 पीस का दाम, तो यहाँ पर देखिए 200 से 5 कर देगा गुना, यानी कि हो जाएगा 1000। ठीक है, उसके बाद पैसा कितना, बेनिफिट कितना होगा, तो नीचे ट्रैक करेंगे तो 50 रुपया। तो इसी तरह से हम लोग निकालेंगे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।